हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है वो है माइक्रोब्स। माइक्रोब किस तरह से अभी इस समय मैं पौधे में यूज़ कर रही हूँ, उसकी क्या फ़ायदा है और कब इसका यूज़ करना चाहिए पौधे में, तो सारी डिटेल जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं आज के वीडियो में ला रही हूँ। दोस्तों, अभी इस समय मेरा पौधे का चल रहा है डॉर्मेंसी ब्रेक का पीरियड। चैनल को अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, सारे स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरा विंटर गार्डन की प्रिपरेशन में सबसे पहले जो स्टेप मैंने फॉलो किया था वो है दोस्तों मल्चिंग। मल्चिंग का सारा प्रोसेस मैंने दिखाया है वीडियो में। मल्चिंग के 15 दिन बाद करना पड़ता है डॉर्मेंसी ब्रेक। तो डॉर्मेंसी ब्रेक में दोस्तों हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिएगा। चैनल पे मैंने दिखाया है कि कितने सारे फीडिंग मैं अभी इस समय पौधे को दे रही हूँ। पौधा डॉर्मेंसी में क्या था, पौधा सब स्लीपिंग मोड में था, पौधा रेस्टिंग मोड में था, तो उस जोन से हमको डॉर्मेंसी ब्रेक के द्वारा हम लोग पौधे को जगाए हैं। अभी इस समय क्या होगा, ये 15 दिन का जो पीरियड होता है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी इस समय पौधे में हम लोग फीडिंग देंगे, हम केयरिंग करेंगे, पेस्टिसाइड का अप्लाई इस समय करेंगे और पौधे को एक्टिव करेंगे। ठीक है, ये 15 दिन का ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद चलेगा प्रूनिंग। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों चैनल पे मेरा आ रहा है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए और ये चीज अच्छे से सुन लीजिएगा कि माइक्रोब्स डालने का डेट क्या होता है। दो सरसों खली का एक फीडिंग हमने दे दिया है, उसके बाद दो फीडिंग और रहेगा। बीच का जो गैप रहेगा दोस्तों, जो 3 दिन का गैप रहेगा, बीच वाले दिन में हम लोग देंगे। मैं डेट मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि माइक्रोब्स का डेट कब दे रहा है। देखिए, मैंने 15 तारीख को पहला फीडिंग दिया है सरसों खली का, 19 तारीख को दिया है सेकेंड सरसों खली का फीडिंग। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को मेरा होगा माइक्रोब्स का डेट। तो फिर उसके बाद मेरा और दो फीडिंग रहेगा 23 और 27 को। तो ये है माइक्रोब का डेट। अब माइक्रोब्स डालने का क्या मकसद है दोस्तों, क्या माइक्रोब्स क्या करेगा? माइक्रोब्स का मेन जो पर्पस होता है दोस्तों, जो मीडिया होता है, जो सॉइल मीडिया होता है, जो सिंडर मीडिया होता है, कोई भी मीडिया में माइक्रोब्स जब हम डालेंगे तो मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका क्वांटिटी ये बढ़ा देगा, वो बढ़ जाएगा। ये क्या करता है दोस्तों, पौधे का जो भी होता है, जो भी फूड हम अभी दे रहे हैं, वो फूड लेने में माइक्रोब्स बहुत हेल्प करेगा पौधे को। तो इस वजह से माइक्रोब्स का ये पर्पस रहता है। ये एक बायोफर्टिलाइजर ही समझ लीजिए, कोई केमिकल नहीं है। तो आप लोग दे सकते हैं, सॉइल मीडिया में भी आप लोग सेम प्रोसेस में ही देंगे। प्रोसेस आज डिटेल में दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ना एक बार अपडेट दिखा देती हूँ कि पौधा दो सरसों खली और ये पीएच बैलेंस और जो मैं 12x7 का फीडिंग दे रही, उसके बाद पौधे का कैसा रिस्पांस हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा स्वीट दौलमोती का पौधा है, कितने अच्छे से नोट पॉइंट इसका एक्टिव हो गया है। और सारे पत्ते देखिए, ये जो नए पत्ते निकल रहे हैं कितना फ्रेश है, क्योंकि मैंने इस पर एक बार कॉर्नफीडर का अप्लाई कर दिया है। और ये जितना आप कॉर्नफीडर ये सब वगैरह पेस्टिसाइड अभी देंगे, नोट पॉइंट सेव रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पे भी दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से सारे जितने भी है सब नोट पॉइंट एक्टिव होकर रेड रेड पत्ता निकल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पीएच मेंटेन करना, रेड पत्ता जो होता है दोस्तों, ये पीएच जब सही रहता है, 6 के आसपास रहता है। ये जुमेलिया का पौधा है दोस्तों, अभी आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, ये जुमेलिया इतना अच्छा विंटर में परफॉर्म करे, मतलब टच उट मैं रेडी कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा। ये मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर है जुमेलिया मेरे गार्डन का। तो इसमें भी देखिए सारे नोट पॉइंट सब एक्टिव हो गया है और बहुत अच्छे से इसका भी सब निकलेगा। तो इस तरह से प्रूनिंग के पहले पौधे को रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है, सारे नोट एक्टिव करना, ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी एक जुमेलिया है, मेरे दो जुमेलिया है और सारे जितने भी हैं, चलिए और दिखाती हूँ। ये देखिए बहुरूपी का पौधा, इसमें भी रेड रेड पत्ता कितना अच्छे से निकल रहा है।
दोस्तों, मल्चिंग प्रोसेस से हम पौधे का रूट ट्रीटमेंट किए थे ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराइजा, ये सब चीज़ों से। इससे क्या हो, नया रूट बन रहा है और नोड पॉइंट एक्टिव हो रहा है। रूट बनेगा तो नोड्स पॉइंट भी एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी एप्लीकेशन दिखाती हूँ माइक्रोब्स का। ये देखिए माइक्रोब्स मेरे हाथ पे है। ये उत्कर्ष कंपनी का है और ये एक बायो फर्टिलाइज़र है। और ये पौधे का बेनिफिशियल जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, ग्रोथ करता है। तो अभी मैंने इसको यूज़ करूँगी। दोस्तों, इस पैकेट में 900 ग्राम है। तो मेरा जो हिसाब है वो बताती हूँ दोस्तों। बड़े जितने भी मेरे गमले हैं, 10 से 12 इंच का जो गमला है, उसमें मैं दे दूँगी 12 ग्राम करके, ठीक है। और छोटा जितना गमला है, छोटे पौधे का, 8 ग्राम करके दूंगी। तो लगभग सारे ही, पूरा ही मेरा आज ज़रूरत है, तो मैंने सबको मिला लिया है। और पानी का बोलती हूँ, पानी आप 1 लीटर पानी देंगे 4 पौधे में, मतलब 250 ml करके पर जो पौधा है उसको आपको देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मैंने 20 लीटर देखिए पानी अभी ले रही हूँ। तो ये देखिए पानी मिला के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लीजिएगा। ये थोड़ा सा गाढ़ा जो होता है ये सोल्यूशन होगा, देखिए गाढ़ा सोल्यूशन है। ये भी रूटिंग हार्मोन की तरह थोड़ा सा है, तो अच्छे से इसको मिला लीजिए। थोड़ा अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसमें कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में भी डालूँगी मैं, क्योंकि ये मेरे मशीन से तो नहीं जाएगा। तो कंटेनर में मिला के चलिए आज इसका एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, माइक्रोब्स का यूज़ आप लोग हमेशा इवनिंग में कीजिए, मतलब शाम के समय ही इसका यूज़ कीजिए। बड़ा गमला है दोस्तों, तो वैसे ही 250 से 300 ml पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ, जड़ के आसपास चारों तरफ अच्छे से दे दीजिएगा, ताकि पूरा फैल जाए। और इतना ज़्यादा भी मत दीजिएगा कि नीचे से ड्रेंच हो जाए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक एक करके मैं सारे पौधे में दे देती हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं पूरा एप्लीकेशन आप लोगों को दिखा दी हूँ। माइक्रोवेव्स किस तरह से देना है, कब देना है, कितना क्वांटिटी में देना है और अप्लाई करने का क्या क्या नियम है, सब कुछ मैंने बता दिया है। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। और एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, वेदर रिपोर्ट अभी जो दिखा रहा है, नेक्स्ट वीक बारिश का दिखा रहा है। तो जो लोग सरसों खली का अप्लाई करना चाहते हैं इस समय, उस समय सरसों खली का प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए। ज़्यादा बारिश होगी तो प्रूनिंग भी उस समय थोड़ा सा रोक दीजिए। इस तरह के जब सनलाइट एकदम प्रॉपर निकले, उसी दिन आप ये सब काम करिएगा। फीडिंग वाला बात कर रही हूँ। वेदर इस साल बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पौधे को कंट्रोल करूँ। लेकिन फिर भी विंटर गार्डन तो करना ही है, रोज़ तो करना ही है, हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ सकते। इसी दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। और जो लोग मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं, सुमनास ग्रूमिंग लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।